अब यहाँ से हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम यहाँ से नाइस रोड लेंगे और नाइस रोड से हम जाएंगे मैसूर रोड। हाँ, तो टू व्हीलर अलाउ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे अगर डेडिकेटेड एक लेन छोड़ा गया है तो वो टू व्हीलर्स के रिस्पेक्ट में छोड़ा गया है। आपको प्रिसाइसनेस अगर दिखाया जाए तो लुक एट दिस, 141 किलोमीटर इन 1 hour 14 minutes। Good morning, friends. Welcome back to our new vlog. I hope you are doing absolutely fine. And आज की जर्नी एक wonderful morning के साथ फिर एक शुरू होने जा रही है और इस बार हम दूसरी साइड एक बढ़िया सी ट्रिप लगाने वाले हैं जो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए आज फिर सुबह उठ के तैयार हो गए हैं और हमारी राइड शुरू ही होने वाली है। तो थंबनेल से एंड टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, बट फिर भी आज का ट्रिप हमारा केरला की साइड होने वाला है क्योंकि अभी थोड़ा हल्का हल्का मानसून स्टार्ट हो गया है तो वेदर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बट फिर भी थोड़ी गर्मी अभी है, टेम्परेचर्स कम नहीं हुए हैं तो उतना यूनिक एक्सपीरियंस आपको वायनाड का नहीं मिलेगा, बट फिर भी लेट्स सी क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शंस फ़िलहाल यही हैं तो हमने सोचा कि चलो जाके अनकवर करते, देखते व्हाट एग्जैक्टली वी हैव देयर फॉर यू एंड काफ़ी चीज़ें होंगी जो एक्सप्लोर करेंगे हम एंड काफ़ी अच्छे व्यूज होंगे जो मेनली हम शेयर करेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ और हम आगे चल के आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने वाले हैं। एक इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोर्स जिसका हमें कुछ पता नहीं होता है जो हम मिलके साथ स्टार्ट करते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आखिर है क्या। तो बाकी सब रेडी है, वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड लवली मॉर्निंग। आप होराइजन अगर देख रहे हो पीछे तो वाकई यार काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर, इससे सुंदर चीज आपको सुबह देखने को नहीं मिल सकती। तो यार अपनी राइड ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी मतलब बिंदास नहा धो के खड़ी है। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट गेट रेडी, पुट आवर बैग्स एंड गेट राइडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक नई राइड की अलग ही एक्साइटमेंट होती है एंड टाइम हो गया 6:30। आज हम वायनाड की ओर निकल रहे हैं। वायनाड इज ऑफ कोर्स इन द बॉर्डर्स ऑफ केरला एंड दिस इज वन अमॉन्ग दोज प्लेसेस जहाँ पे लोग कभी भी हैंग आउट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 5-5.5 घंटे की रास्ता है यहाँ से, इसलिए हम थोड़ा आराम से भी निकल रहे हैं क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। कल फ्राइडे था रात में तो काम थोड़ा ज़्यादा था, 2-3 बज गए सुबह सोते सोते, तो 2-3 घंटे की नींद तो ज़रूरी है और इसी चक्कर में हमने सोचा चलो आराम से निकलते हैं। एंड फिलहाल 6:30 बज रहे हैं सुबह के, तो उम्मीद ये है कि हम 12 बजे तक वहाँ पे होंगे, 12, 12:30, 1 मैक्स। सो वायनाड की स्पेशलिटीज़ हम आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे क्योंकि आपकी सरप्राइज ख़राब नहीं करना चाहते हम। एंड एज यू रीच वायनाड ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द कूलेस्ट एरिया इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रीनरी और टी स्टेट्स हैं, तो लेट्स सी व्हाट आर एक्सपीरियंस विल बी। वायनाड में पहली बार जा रहा हूँ तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। निकलते हैं सिटी से बाहर, सैटरडे है, वीकेंड है तो थोड़ा खाली रहेगा, बट फिर भी जस्ट टू मेक श्योर कि हाईवे पहुंचने से पहले दिक्कत ना हो। सो फाइनली नेशनल हाईवे पे आ गए। अब यहाँ से हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम यहाँ से नाइस रोड लेंगे और नाइस रोड से हम जाएंगे मैसूर रोड। देखते हैं एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर्स को फाइनली बैन किया गया है नहीं, लास्ट टाइम गए थे तो कोई पूछ नहीं रहा था,
इस बार देखते हैं कि अलाउ करते हैं कि नहीं। और फिर वहाँ से हम मैसूर निकलेंगे, ऑफ कोर्स मैसूर से नंजनगुड, एंड नंजनगुड से राइट एग्जिट लेके विल गो टुवर्ड्स वायनाड। तो काफ़ी इनक्रेडिबल जर्नी है क्योंकि नंजनगुड तक तो सूखा सूखा है, लिटरली टेलिंग यू, वहाँ तक कुछ नहीं है रास्ते में, बट हमारा डेस्टिनेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग के साथ जो हम शेयर कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा। एंड हमारी कोशिश यही रहती है कि यार जिन्होंने मतलब साउथ को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेट देम गेट हेल्प टू एक्सप्लोर इट। तो हम अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाना चाहते हैं कि आखिर वहाँ है क्या, और अगर कल को आप प्लान बनाते हैं कि लेट मी गो देयर, तो गो देयर में मिलेगा क्या आपको। मैसूर रोड, मैसूर रोड, हाँ वेल फाइनली हम नाइस रोड पे आ गए हैं, जहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रिप एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जब तक आप नाइस रोड पे नहीं पहुँचते या फिर मेन हाईवे टच नहीं करते, तब तक सिटी का थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन रहता ही रहता है। एंड नया बनाया है इन्होंने, वाइट टॉपिंग की है पूरे बैंगलोर में, तो ज़्यादातर रोड्स मतलब सीमेंट के बना दिए गए हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, बट वो तो काम से पता चलेगा कितना ड्यूरेबल है। बट नाइस रोड क्या मतलब, इनका अलग ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अपना पर्सनल रहता है, तो ये टोल अपना लेते हैं और मेंटेन करते हैं रोड को, तो अभी तक तो ज़ीरो कंप्लेंट्स हैं। ये आई नो काफ़ी राइडर्स लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे हमारा, और अगर राइडर्स लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहना कमेंट करके। एंड देखते हैं हमारी स्पीड कितनी है, 65। ये देख रहे हैं बैंगलोर की स्ट्रिक्टनेस, देख रहे हो आप, हर कोने पे कैमरा है। ये सोचो वैसे इस टाइप का स्पेशल रोड है ये, जो बैंगलोर के एक किनारे से दूसरे किनारे कनेक्ट करता है, और उसमें भी इन्होंने मतलब कैमरा लगा रखा है, और लिमिट है 80 की, 80 से ऊपर नहीं जा सकते। पहले 120 रखा था, बट एक्सीडेंट्स हो रहे थे तो इन्होंने रिसेंटली इसको 80 कर दिया। फैंटास्टिक। तो हम यहाँ से नाइस रोड से एग्जिट लेंगे मैसूर रोड का, और मैसूर रोड जो अपना नया एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो देखते हैं कि वहाँ पे हमें कैसी एंट्री मिलती है। अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया होगा इम्प्लीमेंट तो ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए, और अगर कर दिया होगा इम्प्लीमेंट कि एक्सप्रेस वे पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो रास्ता काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। स्वागत है आपका, वेलकम टू बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे। ये लेटेस्ट क्रिएशन है, और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर जो ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं मेरा, बैंगलोर ने रिसेंटली दो सिटी को एक स्ट्रेट रोड से कनेक्ट किया है, एंड पहले इसी रास्ते को मतलब दो सिटी के बीच में डिस्टेंस था वो 3 घंटे में कवर होता था, अब वो 1.5 घंटे में कवर होता है। तो काफ़ी अच्छे रोड इन्होंने बनाया है, इनफैक्ट गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। बैंगलोर में इसकी बहुत ज़रूरत है, बैंगलोर से कनेक्टेड सिटीज़ को इसकी ज़रूरत है, और मैसूर दूसरा आईटी सिटी है आफ्टर बैंगलोर, जहाँ पे काफ़ी सारे टेकीज रहते हैं और टेकीज काम करते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर हो जाता है उनके लिए, तो इट सर्टनली बिकम्स हेक्टिक फॉर देम टू गो अहेड एंड यू नो जंप फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर एंड ऑल। हाँ एक चीज़ है, जैसे कि नया एक्सप्रेस वे बना है तो लिटरली यार कुछ भी नहीं है एक्सप्रेस वे पे, आपको एक चाय की टपरी तक नहीं मिलेगी, तो आपने जो भी खाना पीना है एंटर होने से पहले खाना पीना है, या फिर सीधा 1.5 घंटे के बाद मैसूर में एग्जिट पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इतनी तैयारी के साथ ज़रूर आएँ। तो टू व्हीलर अलाउ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर डेडिकेटेड एक लेन छोड़ा गया है
तो वो टू व्हीलर्स के रेस्पेक्ट में छोड़ा गया है। तो जब ये ओपन हुआ था तभी मैं यहाँ पे आया था, और तब थोड़ी क्लैरिटीज़ वगैरह नहीं थी कि क्या होने वाला, क्योंकि बोर्ड पे अगर आप देखो तो फोटोज़ वगैरह नहीं थे कि टू व्हीलर के क्या चार्जेस हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने सोचा था कि एक्सप्रेसवे पे जनरली नहीं रहते हैं, तो हो सकता है बंद हो जाए। बट नाउ वी रियलाइज़ कि एक डेडिकेटेड लेन है और फुल्ली फंक्शनल है ये एक्सप्रेसवे, और टू व्हीलर्स अलाउड हैं। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप यहाँ पे मस्त आराम से एक लंबी राइड ले सकते हैं फैमिली के साथ। टू व्हीलर पे हो या फोर व्हीलर पे हो, आप आराम से एक्सप्रेसवे पे आइए, वीकेंड पे एक लॉन्ग ड्राइव पे निकलिए, लॉन्ग राइड पे निकलिए, और इन्जॉय कर सकते हैं आप एक मस्त ऑसम व्यू। रामनगर 8, मडिकेरी 209 एंड मैसूर 104। तो मैसूर का ऑलमोस्ट लाइक 20 किलोमीटर निकल चुका है हमारा, और रामनगर में स्वागत है आपका, क्योंकि रामनगर जो है वो अपना शोले का रामगढ़ है। एग्जैक्टली ये जो पहाड़े आप देख रहे हैं राइट साइड में, इन्हीं पहाड़ों में शूटिंग हुई थी शोले की, और वो गांव लिटरली है जहाँ पे ठाकुर जी थे और बाकी सारी टीम थी शोले की शूटिंग थी। तो वो गांव रामगढ़ का नाम दिया गया था क्योंकि रामनगर कुछ मैच नहीं कर रहा था, तो बोला कुछ डिफरेंट बनाना है तो रामगढ़ नाम दे दिया। बट यही वो सिटी है जहाँ पे पूरी शोले की पूरी शूटिंग यही हुई थी, एंड उसी टाइम से रामनगर फेमस हो गया एज अ टूरिस्ट स्पॉट। एंड बिकॉज ऑफ देयर हिल्स देर आर लॉट ऑफ रिजॉर्ट हियर, तो लोग यहाँ पे वीकेंड पे फैमिली टाइम के लिए भी आते हैं, और ऑफकोर्स दे हैव सम गुड टाइम। फिलहाल टाइम हो गया 8:30 बज रहे हैं, और हमने लगभग 150 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं, और मैसूर 30 किलोमीटर और है, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर टू द एग्जिट ऑफ मैसूर नाउ। तो मैसूर पहुंच के ब्रेकफास्ट करते हैं, तो पहुंचते किसी बढ़िया से होटल पे और फिर वहां पे बैठ के बात करते हैं आगे। बाहर निकले हैं टोल से, और आपको प्रिसाइसनेस अगर दिखाया जाए तो लुक एट दिस, 141 किलोमीटर इन 1 hour 14 minutes, मतलब 90 किलोमीटर से भी कम, 90 मिनट से भी कम में हमने एक्सप्रेसवे को पार किया है। हाँ, ये नहीं है कि भैया हम भगा के लाए हैं, तो फिर से देख लो हमारी टॉप स्पीड मैक्स 141 तक की गई है, बट कंसिस्टेंट नहीं रही है, एवरेज स्पीड इज 83 राइट। तो यू कैन रीच फ्रॉम द नॉच ऑफ एक्सप्रेस वे टू द अदर साइड ऑफ एक्सप्रेस वे इन लेस देन 90 मिनट्स। बस हमारा हो चुका है, ये पीछे एक स्वाद रेस्टोरेंट है जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ मैसूर, तो अगर आप यहाँ से देखो तो वो सामने सिग्नल है मैसूर का, एंट्रेंस का सिटी का। तो एनीवेज वी आर डन विद द मैसूर, नाउ वी हैव टू टेक लेफ्ट एंड एग्जिट टुवर्ड्स नंजनगुड। नंजनगुड से निकल के फिर हमें बंदीपुर क्रॉस करना होगा, और बंदीपुर क्रॉस करके थोड़ा सा
राइट लेके वायनाड आ जाएगा। तो निकलते हैं और बाकी बातें बाइक पे करते हैं। रास्ता हो गया, थोड़ी शांति मिल गई, बाइक अपनी चक्का चा बढ़िया है यार, देख के अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि बाइक बढ़िया चमक रही है। तो लोग भी देखते तो कहते हैं यार मेंटेन्ड है, और लगता है ना कि गाड़ी से प्यार है बंदे को। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती चला रहा है, एक वाहन यूज़ कर रहा है, एक गाड़ी यूज़ कर रहा है, उसे लग रहा है कि यार एक बंदा है, इसका फैमिली मेम्बर एक तरह से। तो निकलते हैं इससे पहले कि धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए, ठंडे इलाके में घुस जाते हैं। तो बाय बाय मैसूर, अभी हमारे पास आपके यहाँ आने के लिए थोड़ा टाइम है। मैसूर का भी प्लान बना है, मैसूर में तो काफ़ी चीज़ें मतलब अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, तो आराम से टाइम बिता सकते हैं आप मैसूर में एक दो दिन का। बट शायद मैसूर का नंबर अभी नहीं आया है, तो हम हर बार मैसूर को पार कर जाते हैं। तो राइट हियर वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स, दिस इज़ आउटर रिंग रोड ऑफ मैसूर, तो वो अगर आप सीधा जाते तो सिटी आ जाता, और बाहर से निकल जाएंगे तो हम आ जाएंगे एक्सटर्नल आउटर रिंग रोड पे। आउटर रिंग रोड ही तो एक्सटर्नल है, तो ये सीधा आगे जाके फिर बाहर से आप एग्ज़िट कर जाएंगे नंजनगुड़ की ओर, और नंजनगुड़ से सीधा बंदीपुर, और बंदीपुर से राइट लेकर वायनाड, लेफ्ट लिया तो ऊटी, राइट लिया तो वायनाड। हम जा चुके हैं, ब्लॉग आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। आज वायनाड की पहाड़ी है। वेल, हमारे 200 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और हम नंजनगुड़ के आगे निकल चुके हैं। तो थोड़ी दूर मतलब 20 किलोमीटर बाद और बंदीपुर स्टार्ट हो जाएगा, नेचुरल रिजर्व, नेचर रिजर्व और टाइगर रिजर्व जो है हमारा। एंड टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग इज़ अराउंड 88 किलोमीटर टू वायनाड, और डिस्टेंस दिखा रहा है 2 घंटे, तो आई थिंक 88 के लिए 2 घंटे ठीक है, थोड़ा घाट्स का सेक्शन है तो टाइम लगने वाला है, बट स्टिल स्मूथ। तो यहाँ कुछ खास है दिखाने के लिए नहीं, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर पर क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो बड़ा ही ड्राई हाईवे है, और खेती और घास फूस को छोड़ के कुछ ज़्यादा है नहीं। आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ बढ़िया फुटेज भी तो होनी चाहिए ना, बातें तो बहाना है, मेन तो दुनिया दिखाना है। तो समय हो गया 10:30 और डिस्टेंस बचा है 80 किलोमीटर। वेलकम टू बंदीपुर। बंदीपुर का एक छोटा सा स्ट्रेच है जो यहाँ से पास होता है, मेन वाला जो है वो हमने ऊटी वाला ट्रिप में कवर किया था, जो एकदम सेंटर से जाते हैं, वो बहुत बड़ा स्ट्रेच है। ये छोटा सा स्ट्रेच है जो केरला बॉर्डर की तरफ से क्रॉस होता है। एज यू कुड सी यू हैड 10 रुपीज़ चार्ज था एंट्रेंस का, बट कार के लिए, बाइक वालों को चार्ज नहीं किया, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट बाइक वालों को भी चार्ज करती है। मधुमलाई घुसने के लिए 10 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, अन्नामलाई घुसने के लिए 100 रुपये लेते हैं, तो जस्ट बी अवेयर यू माइट बी रिक्वायर्ड टू पे।
Well, welcome to Kerala state. Kerala में आपका स्वागत है. बंदीपुर खत्म, अब यहाँ से कर्नाटक शुरू, केरला शुरू. कर्नाटक घूमते घूमते ना आदत हो गई है कर्नाटक घूमने की, तो थोड़ा पार्ट सेम वही कि जंगल का हिस्सा आधा यहाँ भी है, बट बंदीपुर वहाँ ख़त्म होता है. ये तो ऑर्डिनरी केरल का नेचुरल ब्यूटी है कि भाई आपको फॉरेस्ट वगैरह ये सब दिखते रहेंगे हमेशा. एनीवेज, डिस्टेंस इज रिमेनिंग 35 किलोमीटर्स एंड टाइम दिखा रहा है तकरीबन 50 मिनट हम वायनाड में होंगे. अब जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो नेटवर्क आएगा, और नेटवर्क आएगा तो हम होटल का एड्रेस डाल देंगे और प्रिसाइसली फिर आपको अपडेट देते हैं. ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा, हाथी दिखे, जंगली हाथी. एंड दैट वॉज समथिंग रियली न्यू फॉर मी इन द सेंस, लाइक जंगली हाथी मैंने कभी नहीं देखे थे. चिड़ियाघर में तो ज़रूर देखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक लगा. बट काफ़ी डेंजरस हैं, आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे यहाँ पे इसी बंदीपुर के, तो कभी कभी लोगों को दौड़ा देते हैं, गंदा दौड़ाते. सो जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद दैट. है ना, टू व्हीलर पार्किंग. तो फाइनली हमें रूम मिल चुका है और रूम में आ गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. पार्किंग थोड़ी बाहर मिली है तो मैंने होटल के ओनर से बात कर ली कि भाई थोड़ा पास में लगाना. अभी तो हम निकलेंगे तो रात के लिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो कॉमन पार्किंग है और कॉमन पार्किंग में ऑब्वियसली बात है कुछ भी हो सकता है. तो मैंने बात कर ली कि होटल के पास रात में लगा लूँ, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं लगवा देंगे. ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा रूम दिखाते हैं. तो रूम हमने काफ़ी मतलब सोने के लिए बस लिया है, एक तरह से टीवी या टीवी है, कबर्ड है, एक बेड आप ज्वाइन कर सकते हो. ये हमारा बढ़िया हेलमेट है. ओके, और लगेज हमारा अंदर घुस गया है बाइक का. बाकी ठीक है यार, एक आदमी के लिए सिर्फ रात रखने के लिए अगर थोड़ा आपस को काम वगैरह करने को टेबल है, वाईफाई है, इंटरनेट है, सब कुछ है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, तो अच्छा है. तो मैंने जानबूझ के मतलब मैं चीपेस्ट पॉसिबल देखता हूँ, जो कम्फर्टेबल भी हो, ऐसा नहीं कि एकदम झोपड़ी में दे दिया और घटिया रिव्यू मिल गया. तो यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाता है कि यार आप थोड़ा बहुत अपना पैसे बचा के ट्रिप में लगा सकते हो, रादर दैन जस्ट स्पेंडिंग इट फॉर ओवरनाइट स्लीपिंग हियर, राइट. क्योंकि सिर्फ सोना है तो आपको यार कंफर्ट चाहिए बस, एम्यूनिटीज़ या लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं है. तो पैसे बचाओ और उसको अच्छी जगह यूज़ करो, पेट्रोल में फूको, गाड़ी में फूको. तो गाड़ी में लगाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, रादर दैन इन्वेस्टिंग इन वेरी हाई क्लासी होटल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो आई थिंक वी आर गुड नाउ, लेट मी जस्ट गेट फ्रेश एंड relax a bit and then we'll move out. बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि बाहर क्या है और कौन से लोकेशन हम जा सकते हैं आज और कल सुबह के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा. एंड दोनों के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी आइटनरी वायनाड तक कितनी रहेगी और अगर कुछ आगे एक्सटेंड करना है तो कैसे करना है.